चले सबके साथ वाटर पार्क। चलो वाटर वर्ल्ड कोई बहुत बड़ा वाटर पार्क तो नहीं है, छोटा सा है मगर ठीक है, अच्छा है। ये मैं निकला था आरके बीच से, लगभग 26 किलोमीटर है आरके बीच से। अगर आप अगर आते हैं ना तो ये जो है आपका वाइजैग वाटर वर्ल्ड, ये है 26 किलोमीटर। ये इनका टिकट काउंटर है, मैंने 4 बच्चे हैं और 4 बड़े हैं, टिकट मैंने ले लिया है लगभग 4,350 रुपये का, 4 लोगों का, 4 बड़े और 4 बच्चों का है। देखिए कोई बहुत बड़ा वाटर पार्क नहीं है लेकिन छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, बच्चों को खुश करने के लिए तो इतना काफ़ी नहीं बोलूँगा, बहुत है। अरे बच्चों को लेकर के ऐसी जगहों पे आने में एक अलग ही मज़ा होता है, ज़्यादा निकलना तो होता नहीं फैमिली को लेकर, लेकिन जब भी आप निकलो तो कम से कम ऐसा एक प्लान ज़रूर करो, ये बच्चों को हमेशा याद रहता है, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ना वो हमेशा बच्चों को याद रहता है। तो चलते हैं फिर अंदर, थोड़ी देर में कपड़े वगैरह बदल लेते हैं क्योंकि अभी तो शर्ट जीन्स वगैरह जूता वगैरह पहना हुआ हूँ, अब आना पड़ेगा टी शर्ट और लोअर में, और चलते हैं फिर ऊपर बच्चों को लेकर के। वाटर पार्क का जो एक्सपीरियंस है मेरा भी फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम ही मैं किसी वाटर पार्क में आया हूँ, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एक दिक्कत क्या हो गया, मैं जो कपड़े पहन के आया हूँ वो तो ठीक है, वो तो अलाउ है यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता था कि वाटर पार्क में और स्विमिंग पूल वगैरह में कि कहीं भी अपन होटल में जाते हैं तो सिल्क वाले कपड़े चाहिए होते हैं, बिल्कुल पतले है ना, तो पानी पूरा नीचे उतर जाता है, रुकता है नहीं। मगर बाकी मेरे जो घर के लोग थे वो नॉर्मल कॉटन वाले कपड़े पहन के आए थे तो वो यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उनका रेंट पे भी देते हैं ये लोग, ये रेंट पे रखे हुए हैं इनके ये पूरे कपड़े, टी शर्ट लोअर, या आपको शॉर्ट्स चाहिए तो शॉर्ट्स आप पहन सकते हो है ना, लोअर पहन सकते हो, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। बस ये है कि पैसा इतना ले लेते हैं कि आप अगर ख़रीदना चाहोगे ना तो उतना पैसा और मिला के आप सबके लिए उतना खरीद सकते हो, परचेस कर सकते हो। अब जैसे इसमें 1200 रुपये लगे, ठीक है, अब 1200 की जगह कितने लोगों का के लिए ले रहे हैं अपन, 7 लोगों के लिए रेंट पे,
तो उसी को 1200 की जगह अगर 2400 रुपये अगर खर्च कर दोगे तो शायद 7 लोगों के लिए टी शर्ट और वो जो है लोअर दोनों आ जाएंगे। चलो ठीक है, हम नहीं था क्या कर सकते हैं, अभी ले लिया रेंट पर। हम नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ भी अपन साथ में रख के चले। तो चलिए अब हम आ चुके हैं वाटर वर्ल्ड के अंदर, ये इनका कैंटीन है। अच्छा खाना वाना कुछ मिलेगा क्या यार? नाश्ता वास्ता कुछ खाना पड़ेगा बाद में, भूख लगेगा। तो ये स्विमिंग पूल इनका और जो भी इनका वाटर स्लाइड है उसका एंड इसी पूल में होगा। लेकिन यार ये ज़्यादा गहरा नहीं है यार, ये बच्चों के लिए है क्या? ये और छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी गहरा नहीं है। है ना, अभी मैंने अपना गिम्बल जो है वो कार पे रख दिया, और कार पे रख के मैं बिना गिम्बल की वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो उतना स्टेबलाइज नहीं आएगा। और माइक जो था मेरा, माइक भी रख दिया हूँ, तो जो फोन का जो माइक है बस उसी से आपको आवाज़ मिल रहा है, तो शायद आवाज़ उतना क्लियर ना आए और वीडियो उतना स्टेबल ना हो। तो क्या क्या चीज़ को यहाँ संभालोगे ऊपर में जाने के बाद?
हो तो जाने की स्पीड आया है। कुछ नहीं कुछ नहीं मेरा बच्चा, जा जा फिर से आप अकेले ना जा। वाटर वर्ल्ड ये बड़ों के लिए है और ये छोटे बच्चों के लिए। बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। जल्दी आ जा 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 आ जा 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 आ जा जा जा।